नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप मेरे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इस टाइप का एनिमेशन जो कि बकरी है जिसको गॉट बोलते हैं, इस टाइप का एनिमेशन कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चैनल दिखा रहा हूँ सानवी पटेल का, इस पर मैंने एक कोर्स बनाया हूँ जो कि एनिमेट सीसी के ऊपर है और इसमें मैं फुल वीडियो लगाने वाला हूँ। इसमें से 30 से 40 वीडियो हो गए जो कि आप जो है परचेज करना होगा और उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि ऑनलाइन कोर्स आप लेके आइए, तो मैंने उसके लिए ही ऑनलाइन कोर्स लेके आया हूँ। अगर आप दोस्तों आप चाहते हैं कि हमें इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जो है कोर्स है वो एनिमेट सीसी के ऊपर है। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आता है जो कि एनिमेट सीसी फुल कोर्स दिया हुआ है जो कि 799 रुपये है और ये दोस्तों मंथली चार्जेज है। आप चाहें तो 1 मंथ में आप कोर्स कर सकते हैं, चाहे 2 मंथ्स में कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे आपको पूरा वीडियो शो होगा, जिसमें कि हम 15-16 वीडियो लगाए हैं और 15-20 वीडियो करीबन और उस पर मैं लगाने वाला हूँ। तो आपको लगता है कि इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको लगता है कि हम फ्री में जो सिखा रहे हैं उससे हम सीख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उससे सीख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, मैं आपको कोई सी भी तरीके का नहीं है। मैं यहाँ पे फ्री में भी वीडियो लगा रहा हूँ और वहाँ पे भी मैं वीडियो लगा रहा हूँ। आपको लगता है कि हम बेटर सिखा रहे हैं तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और कोर्स भी ले सकते हैं, ये आप पे मर्जी है। और यहाँ पे एक और है जो कि गोल्ड का है 199 का, जिसमें कि आप मुझे सपोर्ट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो पर वापस जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि एलिस्ट्रेटर में बना हुआ है, हम इसको पहले एनिमेट सीसी में इंपोर्ट करेंगे और इसको जो है इसको हम पहले लेयर को अरेंज किस टाइप से किया जाता है उसको देखेंगे और फिर इसको जो एनिमेशन है वॉक का उसको करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से किया जाता है। तो हम इसको पहले सेव करते हैं, मैंने यहाँ पर सेव किया, यहाँ पर देख सकते हैं गॉट नाम से सेव है और हमारे पास ये एनिमेट सीसी का ये सॉफ्टवेयर है और मैं इसको पहले इंपोर्ट करता हूँ। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जाते हैं और इसको जो है डायरेक्ट इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया, ये हमारे पास कैरेक्टर आ गया है। और पहले हम इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे लेयर को, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ पर पूरे को F8 प्रेस करते हैं और सिम्बॉल में कन्वर्ट करते हैं। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद हम हर किसी लेयर को अलग अलग क्रिएट किए थे एलिस्ट्रेटर में, तो यहाँ से मैं सिंबल कन्वर्ट करूँगा सभी को। तो मैंने इस टाइप से सिंबल में कन्वर्ट किए और हम क्या करेंगे सभी को जो है पहले अरेंज करेंगे इसके जो पॉइंटर होते हैं, क्योंकि पता है कि पॉइंटर के अकॉर्डिंग ही ये एनिमेट होता, तो मैं यहाँ से वायर फ्रेम करता हूँ और सभी को जो है पॉइंटर सेट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको यहाँ पर, तो इस टाइप से हमने पहले इसके जो है पॉइंटर जो होते हैं उसको मैंने एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर लिए और इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसको अब एनिमेशन करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, सभी को पॉइंटर सेट कर लिए। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि कोई भी एनिमल होते हैं उसमें दो टाइप के एनिमेशन होता है, जब वो चलता है तो दो टाइप से चलता है। जैसे मान लो पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे जो डॉग का चलना होता है, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, तो इसका देखिए पैर जो है कुछ इस टाइप से आ रहा है, लेकिन जब और इस तरफ का पैर इस तरफ से आ रहा है, लेकिन जब डॉग को देखेंगे तो डॉग का पैर जो है कुछ जो आता है
यहाँ पे कुछ इस टाइप से आता है, इस टाइप से आएगा और इस टाइप से आता है। डॉग का पैर कुछ इस टाइप से आता है और ये तो खैर सेम ही रहता है, तो उसका पैर जो होता है इस टाइप से होता है। लेकिन जब जो बकरी का देखते हैं, बकरी का पैर जैसे हम लोग का पैर चलता है उसी टाइप से बकरी का भी पैर चलता है। तो हम इसके एनिमेशन देखते हैं किस टाइप से किया जाता है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और मैं अभी क्या हुआ कि मैं इसके अंदर गया हूँ और मैंने सभी को सिंबल में कन्वर्ट कर लिया और इसके पॉइंटर को भी मैंने सेट कर चुका हूँ। तो अब क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और पहले मैं तो ये करता हूँ कि इसको हम क्या करते हैं F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं ये सारे पैर का, और इसको भी मैं सिंबल में कर लेता हूँ और पॉइंटर लगाते हैं इसको मैं यहाँ पर और इसको भी मैं यहाँ पर। तो अब क्या है दोस्तों कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर करता हूँ, यहाँ से राइट बटन क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिए यहाँ से, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 5 लेयर आ गए हैं। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ और है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही पैर है। जब कोई भी एनिमल को हम एनिमेशन करते हैं तो उसमें 4 पैर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 पैर को एनिमेशन करेंगे और इसी 2 को हम बैक में भी ले जाएंगे और सेम तरीके से एनिमेशन करेंगे। लेकिन बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ता है कि हम कैसे उसको करते हैं। तो हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 3 लेयर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देते हैं। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिए, अब हम इसमें एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन किस टाइप से करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 फ्रेम तक इसको एनिमेशन करेंगे। तो 35 फ्रेम तक चलिए एनिमेशन करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं F6 लगाते हैं और पहला पॉइंटर जो है हमारा होगा 15 फ्रेम पे। 15 फ्रेम पे मैंने पॉइंटर लगाए और ये क्या होगा कि हम पहले जो है इसको यहाँ पे करते हैं और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर पॉइंटर लगाए, F6 प्रेस किए, यहाँ पे मैं इसको और भी कर देता हूँ इस टाइप से। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ F6 लगाता हूँ फिर से, और इस बार मैं क्या करता हूँ इसको मैं स्टप करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कुछ इस टाइप से करूँगा। ठीक है, इस टाइप से करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पर ठीक है, अब देखिए इस टाइप से हुआ। और फिर से मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लगाता हूँ और इस बार मैं क्या करूँगा इस टाइप से पॉइंटर ले जाऊँगा और इसको मैं करूँगा इस टाइप से। ठीक है, अभी देखिए इस टाइप से हो गया हमारा एनिमेशन। अभी मैं अगर इसको आपको लूप में चला कर दिखाता हूँ, देखिए इस टाइप से यहाँ पे हम करते हैं तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको भी मैं, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि राइट बटन क्लिक करता हूँ और क्लासिक ट्विन कर देता हूँ, सभी को क्लासिक ट्विन कर देता हूँ। अब देखिए स्टेप से एनिमेशन हो गया इसमें। अब मैं क्या करता हूँ इसको रोकता हूँ और मैं इसमें जाऊँगा और इसमें भी मैं क्या करूँगा डिस्ट्रीब्यूट लेयर करूँगा। यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया और मैं इसको भी 35 फ्रेम तक करूँगा एनिमेशन। तो हम क्या करते हैं 35
पहले हम जाते हैं 15 फ्रेम पे, F6 लगाते हैं और इसको मैं करूँगा पीछे की ओर इस टाइप से, और फिर से करूँगा 20 फ्रेम पे और भी पीछे की ओर करूँगा, और उसके बाद 25 फ्रेम पे मैं इसको ऊपर की ओर करता हूँ और यहाँ पे करूँगा, और इसको इस टाइप से करूँगा। और थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आने के बाद एक और फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे, और अब की बार मैं यहाँ पे करूँगा, और इसके बाद करूँगा क्लासिक ट्विन। अभी देखते हैं। इस टाइप से एनिमेशन हो गया इसमें भी। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद हमने इसको 35 फ्रेम तक एनिमेशन लगाए हैं, यहाँ पे लगाते हैं 35 फ्रेम तक, और F5 लगाए 35 फ्रेम तक। अब देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसको रखते हैं नीचे। नीचे रखने के बाद ये हमारा जो है इस तरफ से आगे की ओर रहेगा, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ, ब्राइटनेस करूँगा, और इसको थोड़ा सा मैं डार्क करूँगा इससे। आप देख सकते हैं ये जो है डार्क हो गया। और इसको मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये 0 1 पे है, तो मैं इसको करूँगा 15 पे, 15 पे करा। अब देखिए, अब मैं 15 पे किया हूँ, देखिए क्या हुआ कि ये एक आगे जा रहा था, एक पीछे आ रहा है। इसी टाइप से इसके पैर को कॉपी किया, यहाँ पे गया, एक न्यू लेयर क्रिएट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको रखूँगा यहाँ पर आगे की ओर, और इस पे भी सेम अप्लाई करूँगा, ब्राइटनेस करूँगा, थोड़ा सा डार्क हो गया, और इसको मैंने किया 15। आप देखिए कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, अभी यहाँ पे एनिमेशन कुछ हुआ नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसके बाहर जाते हैं और 35 फ्रेम पर हम F6 लगाते हैं, F5 लगाते हैं। अभी देखते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेशन इसमें हो गया है। मैंने यहाँ पे पॉइंटर लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा, एक मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लगाता हूँ, और इसको मैं करूँगा यहाँ से नीचे, और इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ, और इसको करूँगा क्लासिक ट्विन, और कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसमें जो है एनिमेशन आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बैकग्राउंड लगाता हूँ। अब मैं इसमें एक यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और हमारे पास एक बैकग्राउंड है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं इस टाइप से, और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और नीचे कर लेता हूँ, इसको मैं छोटा करूँगा इस टाइप से, और इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ, देखिए F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ, और क्लासिक ट्विन कर देता हूँ, यहाँ पर है, और इसको मैं F6 लगाऊंगा एक, और यहाँ पे रखूँगा। अब देखते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ पे, और इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। अब देखते हैं,
अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो इसका जो कैरेक्टर है कुछ इस टाइप से एनिमेशन होना शुरू हो गया, लेकिन इसका जो सींग है वो लगता है ट्रांसपेरेंट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाते हैं, इसका जो है ट्रांसपेरेंट हम हटाएंगे, इसको इसको अल्फ़ा नहीं नन करते हैं, इसको भी अल्फ़ा नहीं नन करते हैं। अब देखते हैं इसका जो है कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो है एनिमेशन कुछ इस टाइप से हो गया है। तो दोस्तों ये था कोई भी जो एनिमल होते हैं उसका एनिमेशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।